हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? और मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस देखिए, टाइम अभी सुबह के 7:15 चल रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज मेरे किचन से। तो मैं लगा रही हूँ जहाँ प्याज झाड़ू सुबह, और मैंने अभी बच्चों को तो नाश्ता बना दिया, लेकिन इनको खिलाने को अभी बाकी है। तो मैं सोचा मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और देखिए जहाँ पे मैंने प्याज रखा है जो मैंने खुद अपना निकाला हुआ है, तो वो मैंने ना शेल्फ के नीचे रख दिया। मैंने सोचा जहाँ पे सड़ेगा नहीं, सभी बोलते हैं, तो मैंने बाहर रखा बोरी में। तो मैंने सोचा मैं इसको निकाल लेती हूँ, बोलते बंद बोरी में ना ये ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने जहाँ रख लिया हवा में, तो ऐसे ये रखा है तो हवा शवा लगती रहती है, तो उसकी वजह से फिर ख़राब नहीं होता है। तो और जहाँ पे ना मैं बेडशीट डाले हुए एक हफ्ता हो गया, तो मैंने सोचा मैं इसको भी साफ कर लेती हूँ। तो मैंने कम्बल को तो फोल्ड कर दिया है, अब बच्चों का वहाँ पड़ जाता है, हमें फिर हम दोनों लगे हैं साथ में, और इनको ना सुबह थोड़ा जल्दी करना पड़ता है प्यार। तो ये चिंकी क्यों कर रहे हैं, मैं नक्श को कर रही हूँ। तो अभी ना मैं इनके टिफिन डाल रही हूँ बैग के अंदर, तो मैं दोनों टिफिन आज ना नक्श के बैग के अंदर ही डालूँगी। और कल ना चिंकी का कोई खाना खा गया था कोई बच्चा, तो बड़ी बार खाया इसका खाना, तो फिर क्या होता है कि ये भूखे पेट ही रहती है पूरा दिन, बहुत ही लंबे दिन होते हैं। तो मैंने इसको नक्श को बोला तू ले जाना इसका टिफिन, तो फिर इसको खाना खिला देना रिसेस में, इसको दे देना। तो उसने बोला ठीक है। इतने दिन ये भी नहीं लेता था, मानता नहीं था, तो चिंकी भी नहीं देती थी इसको, और ये रोती थी, बोलती नहीं मैंने अपने बैग के अंदर ही रखना है बैग के अंदर। तो क्या होता है कि बच्चे खा जाते हैं इसका खाना, कैसे बच्चे हैं अभी छोटे हैं, क्या बोलना बच्चों को, तो खा जाते एक दूसरे का खाना, फिर किसको पूछना, कोई बड़ा हो तो चलो। तो नर्सरी वाले बच्चे अभी छोटे होते हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती है। तो ये ना कल अपनी रेजरी भी गुम करके आई है, और शार्पनर भी, तो पेंसिल भी, और इनको ना रोज़ रोज़ दो, तो ये बच्चे भी हद कर देते हैं। जो आपके पापा और आपकी मम्मा है, ठीक है? मैंने बहुत सारे कपड़े करने हैं, सॉफ्ट कोट करने हैं। जो लोग चलते हैं आज, गाड़ी भी नहीं है, चलो गाड़ी। और जे कपड़े तो इनको देख कर ना मेरा कुछ हो रहा है, एक दिन भी रेस्ट नहीं मिलता। तो अब मैं इनको धो लेती हूँ फटाफट से, अभी बच्चों को मैंने बाहर भेजना है गेट पे, तो चलो। तो मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ बाहर गेट पे, उन्होंने फोन किया इनको इधर छोड़ के जा, तो मैं जा रही हूँ। दूसरी बात वाली बोतल क्यों डाल ली है तूने, जो इसकी है वो क्यों नहीं ली इसने आज? जल्दी जल्दी चलो, पापा वेट कर रहे हैं गेट के ऊपर। चले जाओगे आप खुद चिंकी? चलो 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 चलो, बाय। और बच्चे कर रहे हैं मेरे को बाय बाय, तो मैं इनको ना जहाँ पे छोड़ के गई थी गेट पे, तो फिर इनके पापा बाय। देखिए मेरी मिर्ची बड़ी बड़ी हो गई है जहाँ पे मैंने ना इनको गोबर डाला था, जहाँ पे लगा हीरा। देखिए छोटा सा
तो यहाँ पे देखिए मैंने गोबर भी डलवा दिया है इनसे, और ये लाते नहीं थे इतने दिन से। तो देखिए पीछे जो दिख रहा है कद्दू की बेलें हैं, और ये भी कद्दू लगाया है मैंने। तो खीरे भी है, देसी खीरे भी लगाए हैं, और बीच में बैंगन के पौधे भी लगाए हैं। और देखिए ये कणक का साग, मैं बच्चों को छोड़ने गई तो मैं सोचा चलो बाड़ी में ही चलते हैं, बाड़ी में चलती हूँ। और इतनी बारिश होती है तो जो मैंने टमाटर लगाए ना वो सारे आगे आगे आ जाते, तो मैं इनको पीछे कर रही थी, सोचा थोड़ा पीछे कर देती हूँ इनको ताकि ये ना उनके ऊपर चढ़ जाए जो मैंने वो लगाया है। अपनी बाड़ी को चार द्वारी से हो गया है ना लकड़ियों से, इसके ऊपर चले जाए वरना ये ना आगे आगे आ रहे थे ऐसे, तो मैं इनको ही कर रही थी ऊपर। बारिश होती है जहाँ पे तो ठीक ठाक होती है बारिश, तो उसकी वजह से देखिए हरियाली हरियाली होगी है और सब्जियाँ भी अच्छी होगी मेरी। बारिश तो ठीक ठाक ही होती है। तो आज ना सुबह के टाइम में देखिए बारिश, और इतनी हवा चली है ना, बारिश अंदर आ रही है। तो भाई देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जहाँ पे बारिश होने वाली है, और सच में बारिश लग गई है जहाँ पे, तो मेरे कपड़े ना आज नहीं सूखेंगे। भाई देखिए जहाँ पे लग चुकी है बारिश, और मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे बारिश लगने वाली है, और मैंने कपड़े धो दिए, लेकिन ना आज मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है जहाँ पे, बारिश के साथ साथ ना हवा भी चली है, तो सारी बारिश अंदर हो रही है, पूरा बरांडा गिल्ला हो गया मेरे। बहुत तेज बारिश हो गई यहाँ पे, पानी भी चल पड़ा ऊपर से। तो कपड़े मेरे दोबारा से फिर गिल्ले हो जाएंगे, क्या करें। अंदर भी लाइट जाने वाली है। तो गाइस देखिए अभी तो मैं सोई थी थोड़ी देर के लिए, तो नींद तो मेरे को पड़ी नहीं, और मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो सिर दर्द कर रहा है मेरा, तो मेरे को नहीं पड़ी। अभी टाइम हो रहा है 3:30, और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो मैं कर रही हूँ कंप्लीट। तो बच्चे आ गए स्कूल से, क्या बोला था आपने? झूठा किसी मैंने काट के रखा है, चलो वर्दियां उतारो, चलो चलो चलो, आप पूरा पूरा आ जाओगे क्या? मुथ गंदा, बस करो अब फेंक दो डस्टबिन में। जहाँ पे बच्चे कर रहे हैं होमवर्क, और चिंकी भी कर रही है, चिंकी नहरे करती है, इसको कुछ नहीं आता, जीरो नलायक होगी ये, मच्छर ने काटा आपको। हाँ तो दरवाजे बंद करके रखना ना, आप खुले रखते हो जाली वाले तो ही मच्छर अंदर आते, गुड्डे पसंद लगती है तो फिर पढ़ना है, अच्छा अच्छा फिर गुड्डे मिलती है, साफ साफ लिखना तो फिर गुड्डे, हाँ तो साफ लिखना तो ही मिलती है। चलो जल्दी जल्दी कर चिंकू, साफ साफ लिख। तो भाई देखिए